हमारे साथ एक गेम खेलेंगे। कमाल है, ऊपर भी गेम शो शुरू हो गए। पहले ऊपर ही शुरू हुए थे। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस दिवाली के मौके पर बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार के राम सेतु और अजय देवगन के थैंक गॉड सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं और दोनों फिल्मों के ट्रेलर को पब्लिक की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपावली के मौके पर थैंक गॉड और राम सेतु में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि राम सेतु और थैंक गॉड में आप किस फिल्म को देखने जाने वाले हो। तो सबसे पहले अगर बात करें फिल्म थैंक गॉड के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और राकुल प्रीत सिंह। बता दूं दोस्तों, अजय देवगन भी इस फिल्म में है, लेकिन अजय देवगन का फिल्म के अंदर पूरा रोल नहीं होने वाला है। अजय देवगन का इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो होगा। हालांकि अभी आप ट्रेलर में देख रहे होंगे कि ज्यादातर अजय देवगन को ही बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पूरी फिल्म में अजय देवगन का जो रोल है वो मुश्किल से 20 से 30 मिनट का होने वाला है। पर बात करें फिल्म के बस के बारे में, तो दोस्तों यहां पर जब थैंक गॉड का पहला ट्रेलर आया था, तो पहला ट्रेलर मुझे पूरी तरह से एवरेज लगा था। मतलब कि पहले ट्रेलर को देख कर ना तो हंसी आई थी, ना तो ट्रेलर देखने के बाद कोई एक्साइटमेंट जागी फिल्म के लिए। और मुझे लगा था दोस्तों कि अगर फिल्म का ट्रेलर इतना ठंडा है तो यह फिल्म तो शायद राम सेतु के सामने मुश्किल से टिक पाएगी। लेकिन दोस्तों आज ही थैंक गॉड फिल्म का जो सेकंड ट्रेलर है वो भी रिलीज कर दिया है। पर अब सेकंड ट्रेलर कहीं ना कहीं पहले ट्रेलर से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेकंड ट्रेलर में कॉमेडी भी ठीक ठाक है, अजय देवगन का लुक भी अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो अंदर निराशा थी उसे खत्म करता है और एक उम्मीद जगाता है कि नहीं भैया, दीपावली के मौके पर थैंक गॉड फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी कमाई कर सकती है। पर बात करें कि यहां पर थैंक गॉड फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी ओपनिंग ले सकती है, तो दोस्तों जिस तरह थैंक गॉड फिल्म का ग्राउंड लेवल पर बज है, उसे देखकर लगता है कि फिल्म पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 8 से 10 करोड़ के रेंज में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि यार दिवाली के दूसरे दिन छुट्टी रहती है, उसके बावजूद भी थैंक गॉड सिर्फ 8 से 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का जो बज है अभी उतना अच्छा नहीं बना हुआ, और अभी के हिसाब से लग रहा है कि फिल्म ओपनिंग 10 करोड़ के आसपास की ले सकती है। लेकिन अब बात करें राम सेतु के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने, और इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, सत्यदेव और नसीर साहब देखने को मिलेंगे। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का जब पहला टीजर आया था, टीजर काफी बेहतरीन था, और टीजर ने ही फिल्म की जो हाइप है वो काफी बढ़ा दी थी, जिसके बाद फिल्म के ट्रेलर का सभी को इंतजार था। और अभी दो दिन पहले ही ट्रेलर आया, और ट्रेलर भी राम सेतु का काफी शानदार निकला, और कहीं ना कहीं राम सेतु के ट्रेलर ने फिल्म का जो बज है उसमें काफी बड़ा बूस्ट कर दिया, जिसके चलते ही दोस्तों इस वक्त राम सेतु का बज थैंक गॉड से बहुत ज़्यादा है। अब राम सेतु के जो सॉन्ग्स आएंगे उसके बाद शायद फिल्म का बज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तो टीजर और ट्रेलर ने अपना काम अच्छे से कर दिया है। बात करें कि यहाँ पर राम सेतु फिल्म पहले दिन कितनी ओपनिंग ले सकती है, तो दोस्तों जिस तरह राम सेतु का बज बना हुआ है उसे देखकर लगता है कि राम सेतु फिल्म पहले दिन ओपनिंग इंडिया नेट कलेक्शन 15 से 17 करोड़ के रेंज में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, थैंक गॉड फिल्म ओपनिंग 10 करोड़ के आसपास ले सकती है, वही राम सेतु की ओपनिंग 15 करोड़ के आसपास रहेगी। हालांकि दोस्तों अभी के बस के हिसाब से मैंने ओपनिंग प्रेडिक्शन दिया है, जब इन दोनों फिल्मों के एडवांस बुकिंग शुरू होगी उसके बाद उम्मीद करते हैं कि दोनों के प्रेडिक्शन और बढ़ जाए और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उम्मीद से ज्यादा कमाई करें और दोनों ही फिल्मों को पब्लिक सपोर्ट करे और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड में कौन से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करेगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।